तो चलिए अपडेट का बाकी का काम हम पूरा करते हैं आज। यहाँ तक हमने काम कर लिया था जो है। अब समय है, डेटा यहाँ पे पूरा गेट लोड हो गया है। अब समय ये है कि सबसे पहले तो मैं इस सेव को अपडेट में कन्वर्ट कर दूँ। दूसरा ये है कि जैसे इस पे हम क्लिक करें तो डेटा हमारा अपडेट हो जाए। तो चलिए इसको मैं क्लोज करता हूँ। और कहाँ गया लिसनर, एड स्टूडेंट लिसनर। मैं यहाँ पे कुछ संशोधन कर दूँ। ये लो आप, मैं आता हूँ ऊपर यहाँ पे एड स्टूडेंट। फोटो को भी मैं यहीं पे अपडेट करना चाह रहा हूँ, तो एड स्टूडेंट डॉट फोटो कर देता हूँ। वेट 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 पहले, हाँ एड स्टूडेंट डॉट फोटो करना चाहिए हमें। फोटो इक्वल टू, इसको क्या चाहिए, इनपुट स्ट्रीम चाहिए। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ पुराना जो डेटाबेस में अपलोड है वही फोटो, इनपुट स्ट्रीम। और सॉरी मेरा फोटो, अच्छा इसी में है फोटो। मैं यहाँ पे दिस डॉट फोटो करना चाहिए मुझे, दिस डॉट फोटो। ये फोटो का मतलब ए वाला है ना, और इस फोटो का मतलब दिस के साथ मैंने फोटो को एक्सेस किया है, मतलब ऊपर में जो फोटो वेरिएबल है इसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ, दिस के साथ मैंने एक्सेस किया है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था आपको कॉलेज में। तो चलो हम यहाँ पे, अच्छा फोटो स्टोर क्यों करके रख रहे हैं, वो इसलिए स्टोर करते हैं कि इसी फोटो को हम उठाएंगे अपडेट करते समय टाइम पे, जब हम अपडेट करेंगे तो एक डेटा यहाँ पे हमारा इनपुट स्ट्रीम रहेगा और फोटो के लेबल में भी हम दिखाएंगे। ये वाला फोटो कौन सा है, लेबल वाला है, सॉरी ये वाला फोटो इनवाइट अरे है, और यहाँ पे हमने सेट इसलिए किया है ताकि लेबल में दिखाएं, समझ रहे हो आप। तो ये तो काम हो गया हमारा। इसके बाद हमें बटन को सेट करना है। तो बटन को कहाँ पे मैं मैनेज स्टूडेंट एड स्टूडेंट के पास आता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है, तो इसी लाइन को मैं फिर से कॉपी मारता हूँ और दिस डॉट के बाद मुझे क्या करना चाहिए, ये सेव बटन है ना, तो इसी को मैं दिस डॉट सेव डॉट सेट टेक्स्ट करना चाहिए मुझे, सेट टेक्स्ट TEXT सेट टेक्स्ट हो गया। अब स्ट्रिंग चाहिए तो यहाँ पे मैं कर दूंगा अपडेट। यदि अपडेट है तो इसको बना दो अपडेट, और नहीं तो इसको सेव ही रहने दो, या सेव। और इसी सेव को मैं कॉपी करता हूँ, सेव हो गया, इसी सेव को मैं कॉपी करता हूँ और आ जाता हूँ एड स्टूडेंट लिसनर में। और यहाँ पे इवेंट में कहाँ पे फायर किया हूँ, ये देखो ये है ना इवेंट, बस इसके नीचे केस अपडेट का कर देता हूँ और फिर यहाँ पे कर दूंगा अपडेट, अपडेट फायर हो जाएगा। और फिर इसके नीचे जस्ट हम BREAK ब्रेक कर दूंगा और अपडेट फंक्शन में बना लूंगा नीचे, सबसे लास्ट में बनाऊं क्या, मैं सबसे लास्ट में अपडेट फंक्शन बना देता हूँ, या सबसे लास्ट में नहीं कि ऊपर बनाए, सेव के जस्ट ऊपर बनाता हूँ मैं, ये सेव फंक्शन है, सेव के जस्ट ऊपर मैं बना देता हूँ अपडेट। प्राइवेट वॉइड अपडेट, और यहाँ पे अभी लिख देता हूँ मैं अपडेट। एरर का के लिए दे रहे हैं जी, एरर दे रहा है तो हम चेक करेंगे, इस लाइन पे एरर है, ये अपडेट है यहाँ पे कॉलन। तो चलिए हम टेस्ट करके देखते हैं एक बार कि हमने जो कोड लिखा है वो सही काम कर रहा है या नहीं। तो मैं राइट क्लिक किया, रन पे क्लिक करूंगा, न्यू स्टूडेंट पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक किया मैंने, काम क्यों नहीं कर रहा भाई, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है, एरर आ रहा है कुछ।
नल फाइंडर, इसलिए एरर आ रहा है ना। देखो मैं बताता हूँ आपको क्यों एरर आ रहा है, इसको यहां से कट करो पहले आप। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है ना भाई, हमको सेव बटन का पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। देखो देखो आप कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हमने सेव बटन का ऑब्जेक्ट बनाया, जस्ट इसके नीचे हमें कोड लिखेंगे तो काम करेगा। नल पे हम कैसे सेट टेक्स्ट मेथड चला सकते हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ था, मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ था। चलो अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अब प्रॉपर काम करेगा। ये देखो एड न्यू स्टूडेंट, यहाँ पे सेव आ रहा है और सेव पे क्लिक किया तो ये काम भी कर रहा है इंटरनेम। लेकिन वही मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और मैं अपडेट बटन पे क्लिक करूंगा तो अपडेट यहाँ पे आ रहा है, और इस पे क्लिक किया और फिर मैं बंद कर दूंगा इन सबको तो कंसोल में आ गया अपडेट, मतलब हमारा काम प्रॉपर कर रहा है। चलो अब आते हैं लिसनर के अंदर, इन भाई साहब को थोड़ा टैब मार के इधर अलाइनमेंट सेट करते हैं। मैं सारे मेथड को फोल्ड करता हूँ पहले, तो भाई तू फोल्ड हो जा, सेव मेथड फोल्ड हो जा, अभी जरूरत पड़ेगा तो मैं खोल लूंगा। अब यहीं पे हमें काम सारा करना है, तो यहाँ पे मैं इफ का कंडीशन लगाऊंगा। ये जो वैलिड मेथड है डन को मैं पहले डिलीट मारता हूँ, कि ये कभी मैं कोड किया होगा डन का, ये वाला कॉपी करूंगा ऐसे पेस्ट नीचे एंटर। इज अपडेट को मैं यहाँ पे भी कॉल करूंगा, इज वैलिडेट को, वैलिडेट तो मुझे अभी भी करना है ना, तो मैं वैलिडेट को कॉल करूंगा और इसके अंदर जो जो फंक्शन है इन सब को मैं कॉल ऐसे कॉपी करूंगा। आप देखो मैं कहाँ तक कॉपी करता हूँ, इस यहाँ तक कॉपी किया है मैंने, इफ के अंदर सारा कोड मैंने कॉपी कर लिया इसको, और जाता हूँ मैं ऊपर सेव, सेव को अब कर देता हूँ मैं फोल्ड, मतलब सेव बाय मेथड को मैं पूरा कॉपी कर रहा हूँ और इस वैलिडेट के अंदर कर दिया मैं पेस्ट। अब यहाँ पे देखो कुछ मैसेज मैं बदलता हूँ, रिकॉर्ड सेव, यहाँ पे रिकॉर्ड अपडेट कर देता हूँ अपडेट, और यहाँ पे भी अपडेट कर देता हूँ, ये अपडेट के लिए काम करेगा ना, और यहाँ पे सेव नहीं अपडेट होगा, अभी ये एरर देगा क्योंकि अपडेट का फंक्शन बना नहीं है, तो इसलिए मैं इन सबको कर दूंगा कमेंट थोड़ी देर के लिए। अब मैं ऊपर आऊंगा, मैं अपडेट जब कर रहा हूँ, समझ रहे हो बात अब, तो यहाँ पे इन सबको अपडेट नहीं करूंगा, अभी इन सबको अपडेट नहीं करूंगा। इन सबको अपडेट कैसे करना है इनको मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, थोड़ी देर में नहीं अगले सेशन में देखेंगे, समय क्योंकि बचेगा नहीं ना हमारे पास। बाकी सब ठीक है, मेल फीमेल जेंडर, ये जो कुछ कोड कमेंटेड है मैं इसको गायब कर देता हूँ, आप भी कमेंटेड कोड को डिलीट मार दो, ये मैं समझाने के लिए कई बार ही कमेंट वगैरह कर देता हूँ। ये देख लो आप, अपडेट के लिए हमने इतना कोड है, हमें अभी भी तो डेटा इन्हीं से उठाना है और फोटो से ही डेटा को सेट फोटो में करना है। सेट फोटो कौन सा है? तो इनपुट स्ट्रीम है जो ये वाला है, यहीं से डेटा उठाना है। और हमने क्या किया था कि हमने लोड कर दिया था डेटा जो है, पूरा डेटा बेस का डेटा ही लोड कर दिया था हमने फोटो में। अब ध्यान से इसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। अब मुझे क्या करनी चाहिए, एक क्यों वाइट स्पेस यहाँ पे बचा हुआ है ऐसे ऐसे, आता हूँ मैं नीचे, इन सबको फोल्ड करो, इसको भी फोल्ड करो, इसको भी फोल्ड करो, अपडेट का मेथड नीचे बना हुआ है, यहाँ तक मतलब हमारा काम हो चुका है, सारा काम ठीक से चल रहा है। गेट टाइम ये भी ले लिया मैंने, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, वैलिडेशन में कुछ चेंजेस करूँगा मैं, लेकिन वैलिडेशन में मैं चेंजेस करूँगा उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि देखो राइट क्लिक करके मैं इसको अपडेट पे क्लिक करता हूँ, हो जा भाई अपडेट, क्या समस्या है? क्लोज, मुझे रीरन करना पड़ गया, देखो
मैं यहाँ से रन करता हूँ, राइट क्लिक, रन, ये देखो आप, राइट क्लिक, अपडेट पे मैं क्लिक करता हूँ, अपडेट आ गया। अब देखो मैं क्या चाहता हूँ, जैसे मैं जब नया डेटा सेव करता हूँ तो सारे फील्ड में वैलिडेशन काम करते हैं, सारे जगह वैलिडेशन काम कर रहे हैं, लेकिन जब डेटा अपडेट हो, समझ रहे हो बात आप, यदि डेटा क्या हो, अपडेट हो, तो मुझे क्या करना है, इनमें वैलिडेशन नहीं काम कराना है, कि नहीं, इन सारे में वैलिडेशन हमें काम नहीं कराना है और बाकी सारा वैलिडेशन काम करेगा, करा देते हैं बाकी सारा वैलिडेट। ठीक, चलो तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब देखना मैं क्या करूँगा इसके लिए। बंद करता हूँ अभी, मैं सीधा जाता हूँ स्टूडेंट लिसनर और वैलिडेशन वाला मेथड खोलूँगा, कहाँ पे है, देखो आप, सबसे वो जो तीन फील्ड मैंने आपको दिखाया था उसमें से एक ही फील्ड का मैंने वैलिडेशन कर रखा है L10, बाकी मैंने आप लोगों पे छोड़ा था, तो इसको मैं कभी कर दूंगा वैलिडेशन, चाहे आप लोग भी कर दो। देखो इसमें एक छोटा सा कंडीशन लगाएंगे हम, एड स्टूडेंट डॉट इज अपडेट, इस तरह का हम कंडीशन लगाएंगे, इसको कट किया, पेस्ट कर दिया यहाँ पे इस तरह से। अब देखो यहाँ पे मुझ में क्या करूँगा, नॉट, अब देखो मतलब स्टूडेंट अपडेट के लिए नहीं खुला है, समझ रहे हो बात, यदि अपडेट नहीं है तब फिर वैलिडेट करो, लेकिन यदि अपडेट के लिए है तो ये कंडीशन यहाँ पे फाल्स हो जाएगा और फिर ये कोड नहीं काम करेगा। ठीक, ये हमारा प्रॉपर वैलिडेशन काम करेगा, यकीन नहीं हो रहा है, करके दिखा दूंगा मैं तो यकीन हो जाएगा, लेकिन कोड प्रॉपर काम करेगा, आप यकीन करो आप। अब हमें क्या करना है, राइट क्लिक, नहीं राइट क्लिक करूंगा मैं, रन एज जावा एप्लीकेशन, अपडेट। अब आप देखो कहीं पे कोई फाइल सेलेक्टेड नहीं है और इस पे क्लिक कर रहा हूं तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वही इसको मैं डिलीट मार देता हूँ और इस पर क्लिक करूंगा तो इंटर मोबाइल नंबर कर रहा है, मतलब प्रॉपर काम कर रहा है। तो चलिए अब हमें एक काम करना है, वो क्या काम है मैं बताता हूँ आपको, आइए एड स्टूडेंट लिसनर में और फिर जाओ ऊपर, वैलिडेट को भी मैं कोड फोल्ड कर देता हूँ, काहे के लिए कोड इतना बिखरा रहे है, इसको भी मैं थोड़ा फोल्ड करूंगा, इसको भी मैं फोल्ड करूंगा, ये फालतू का कमेंट है इसको गायब करिए, और यहाँ पे जो कमेंट किया हूँ इसको मैं करूंगा गायब। अब ये अपडेट मेथड है, आप इसको चाहो तो मैनुअली बना लो या तो आप डाओ में जाओ और अपडेट मेथड बना दो। स्टूडेंट बीन में मैं क्यों आ गया भाई, डाओ चाहिए मेरे को, कंट्रोल एंड मारा और यहीं पे जो है अपडेट नाम का मेथड बनाऊंगा, तो पब्लिक बूलियन इज अपडेट, अपडेट मेथड कुछ ले भी रहा है क्या, हाँ बीन लेगा, तो मैं बीन टाइप का पैरामीटर यहाँ पे दूंगा, स्टूडेंट बीन इक्वल टू, इस टाइप का पैरामीटर दूंगा मैं, और लास्ट में क्या कर दूंगा मैं, रिटर्न फॉल्स। लो भाई अब मैं जाऊंगा सेब के पास क्यों, सेब जैसा ही तो कोड इसमें भी चलेगा ना, डिलीट, इसको भी मैं फोल्ड करूंगा, फिर आऊंगा ऊपर, इसको भी मैं जो है फोल्ड करूंगा, फिर आऊंगा ऊपर, मैं यहाँ से कोई कोड कॉपी नहीं करता, सिर्फ कनेक्शन के लिए कॉपी करूँगा मैं कोड, क्योंकि यहाँ से मैं कॉपी करूँगा तो आपको शायद कंफ्यूजन हो थोड़ा, इसलिए हम कॉपी कुछ भी नहीं करेंगे, हम मैनुअली टाइप करेंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं, देखो अब हो गया, अब यहाँ से हम प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर स्टेटमेंट, PS इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, हमें डालना है यहाँ पे SQL का क्वेरी,
मैं क्वेरी टाइप मेरे को बनाने में समय लगेगा, तो आप थोड़ा वेट करिए, मैं फिर मिलता हूँ क्वेरी लिख करके पूरा। तो आप देख लो मैंने सारा क्वेरी यहाँ पे टाइप कर दिया है, अपडेट स्टूडेंट समथिंग 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 जो भी है, मतलब ये देख लो। तो सारा क्वेरी टाइप हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, बस सिंपल यहीं से मैंने जनरेट करके और मॉडिफाई कर दिया। फिर हेलो, अब मैं यहाँ पे आऊँगा, कर दूंगा यहाँ पे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मैं आऊँगा इधर, यहाँ पे कर दूंगा एंटर ताकि रीडेबिलिटी बढ़े थोड़ा। फिर यहाँ से कर दूंगा एंटर, काम खत्म। आएंगे नीचे, ये खूब एरर दे रहा है, इसको लग रहा है कि मैं डर जाऊंगा इसके एरर से। नो प्रॉब्लम, हमें आदत है सराउंड ट्राई कैच करने का। तो आप देख लो ट्राई कैच लग के हाजिर है। अब देखो ये हो गया। अब हमें यहाँ से क्या करना है, सेट करना है पैरामीटर्स। तो ps.set, सबसे पहले नेम है तो सेट ये स्ट्रिंग पैरामीटर इंडेक्स 1, और बोल रहा है स्ट्रिंग सेट करो, तो bean.get नेम हो गया। इसी तरह से मैं और भी सेट करूंगा, मैं बहुत बार कॉपी पेस्ट मार देता हूँ इसको। नेम के जगह पे फादर नेम कर दूंगा, और यहाँ पे नेम के जगह पे मदर नेम कर दूंगा, और यहाँ पे मदर नेम के बाद क्या है, जेंडर है तो जेंडर कर दूंगा, और जेंडर के बाद ईमेल है, मोबाइल है तो मोबाइल, मोबाइल 2 है, उसके बाद कौन सा है, DOB, DOB डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के बाद है डेट ऑफ एडमिशन, DO है डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन है। यहाँ पे जो डेटा जिस सीक्वेंस से ले रहे हैं उसी सीक्वेंस से यहाँ पे हम लिखेंगे। अब यहाँ पे डेट होगा, डेट हो जाएगा, डेट ऑफ एडमिशन के बाद क्या है, कैटेगरी है, कैटेगरी कैटेगरी जो FAO में फाइल के लिए रखा था ना, स्टेट, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद एड्रेस, उसके बाद कोर्स आईडी है, गेट्स कोर्स डॉट गेट आईडी, और ये एरर दे रहा है तो इसको मैं इंट करूंगा, इंट सेट इंट। कोर्स आईडी के बाद है फोटो, तो सेट सेट बाइनरी स्ट्रीम, और इसको दे देंगे हम क्या, इनपुट स्ट्रीम, बाइनरी स्ट्रीम दे दिए, और इसको मैं क्या दे दूंगा, गेट फोटो। इसका साइज भी दे देते हैं, डॉट अवेलेबल मेथड को कॉल करेंगे इनपुट स्ट्रीम, ये इनपुट स्ट्रीम रिटर्न करेगा, और उसी इनपुट स्ट्रीम का एक मेथड है अवेलेबल, तो ये हो जाएगा। कि आदमी क्या कहना चाह रहा है भाई, गेट फोटो से इनपुट स्ट्रीम मिल ही जाएगा, इसको कौन सा समस्या हो रहा है। स्ट्रीम, हाँ ये ठीक है, वो स्पेलिंग बिन डॉट गेट फोटो डॉट अवेलेबल कहे के लिए एरर दे रहे हो भाई, पता नहीं क्यों, इसको क्या समस्या आ रहा है। ट्राई कैच लगाने को कहेगा कि हाँ ट्राई कैच का मामला है, एसक्यूएल एक्सेप्शन को हटा करके ये वाला एक्सेप्शन लगा देंगे। फिर फोटो, तो यहाँ पे फोटो मैंने सेट कर दिया, फोटो के बाद आईडी आता है आखिरी में, तो ps डॉट
सेट स्टूडेंट आईडी, सेट इंट, और यहाँ पे बीन डॉट गेट आईडी इस तरह से। और ये मेथड बना नहीं है गेट आईडी, तो मुझे बनाना पड़ेगा मैनुअली। तो मैं बीन पे जाता हूँ पहले, इस वाले बीन पे। यहाँ पे एक इंट बनाते हैं, प्राइवेट इंट आईडी, और फिर सेमी कॉलन ये दोनों मेथड को मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे यहाँ सेट नेम की जगह पे कर देंगे आईडी, और यहाँ पे गेट की जगह पे आईडी कर देंगे, रिटर्न में कर देंगे आईडी, यहाँ पे कर देंगे इंट, और यहाँ पे इंट आईडी 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 हो गया काम हमारा यहाँ पे। अब फिर से मैं यहाँ पे आऊंगा, ये क्या समस्या, और ट्राई कैच की बातें भी कर रहा है, क्या मजाक कर रहा है भाई ये। ठीक है, कोई ट्राई कैच नहीं चाहिए इसको, और ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लास्ट में आता हूँ और यहाँ पे आईडी में सेट कर दिया, पर मैं एक गलती और कर रहा हूँ, मेरे को आना चाहिए यहाँ पे और सबसे ऊपर आऊँगा, और यहाँ पे मैं एक डेटा और सेट करूँगा, बीन डॉट सेट आईडी, और सेट आईडी में मुझे क्या डालना है, एड स्टूडेंट डॉट आईडी, यहाँ से हम आईडी ले लेंगे, और इसी आईडी के बिहाफ पे अपडेट होगा। अभी आप सोच रहे हो आप कौन सा वेरिएबल है, तो ए वेरिएबल जो हमने सबसे टॉप में बनाया था आईडी, यही स्टूडेंट आईडी है। अब यहाँ पे आईडी कहाँ से पास होता है, तो आप देखो ये वाला आईडी नहीं, मैनेज स्टूडेंट लिस्नर में आओगे तब आपको दिखेगा कि कहाँ से आईडी पास हो रहा है। ये देखो आप निकालते हो जे टेबल से आईडी, यही आईडी कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास होता है एड स्टूडेंट में, और यहीं से वो आईडी यहाँ से आता है इसमें, और ये आईडी यहाँ, और ये वही आईडी यहाँ पे आ गया। चलिए इतना रामायण सुनाना करना ही था, लेकिन सुना दिए राम खा के एड स्टूडेंट लिसनर, हमने आईडी यहाँ पे पास कर दिया। अब मैं डाओ पे आऊँगा, आईडी सारा हमारा काम कंप्लीट हो गया। ये वन पैरामीटर है, ये टू है, ये थ्री है, फोर है, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, और यहाँ पे सिक्सटीन, सिक्सटीन होगा ना, सिक्सटीन। यहाँ पे 16 पैरामीटर यहाँ पे भी होने चाहिए, गिनता हूँ मैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह 13 14 15 16, वेयर आईडी इक्वल टू ए। तो हमारा काम खत्म, और फिर अब हम यहाँ पे क्या करें, पी एस डॉट ई एक्स ई एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड कॉल करेंगे, और यदि ए इक्वल वन है तो क्या कर दो, रिटर्न टी आई यू ई एल्स फॉल्स सेमी कॉलन। ए रिटर्न यहाँ पे न लिख करके मैं लिख दूंगा यहाँ पे। यदि एग्जीक्यूट अपडेट जैसे ही सक्सेसफुली हमारा क्वेरी चल जाएगा, अपडेट होगा डेटा, तो एग्जीक्यूट अपडेट मेथड जो है वन रिटर्न करेगा, और वन रिटर्न करेगा तो कंपेरिजन कर लेंगे यहाँ पे, यदि यहाँ पे ट्रू आएगा तो ट्रू रिटर्न करेंगे अथवा फॉल्स रिटर्न कर देंगे। चलिए हमने जंग जीत लिया।
अब टेस्टिंग करके देखते हैं एप्लीकेशन। हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं अपडेट, यहाँ पे भी मैं इस कॉम को हट यहाँ पे इन कर देता हूँ, यहाँ पे स्पेस यूपी लिख देता हूँ कि अपडेट आ जाए। अब मैंने कोर्स में तो ये कई ले रखे हैं, तो इसका अपडेट नहीं करूँगा मैं। मेल को कर देता हूँ फीमेल, यहाँ पे दो कर देते हैं, यहाँ पे भी हम दो कर देते हैं, एसटी को ओबीसी कर देते हैं, या कर देते हैं इंडिया स्पेस आई, इसको भी मैं अपडेट ही कर देता हूँ। ये हो गया, अपडेट पर क्लिक कर दें। चलिए कि ये रिकॉर्ड सेव अनसक्सेसफुल, इसको क्या समस्या हो रहा है जी? एक्सेप्शन देखते हैं पहले, तब समझ में आएगा हमें। सिंटेक्स एरर, कौन सा सिंटेक्स एरर? वेयर आईडी इक्वल टू 10 एट लाइन नंबर ओ, हमने एसक्यूएल के क्वेरी में गलत किया है। क्या क्वेरी में गलत किया है देख लेता हूँ। फोटो के बाद कॉमा नहीं देना चाहिए हमको, तो चलिए इसको मैं बंद करता हूँ, फिर से मैं अपडेट के लिए ओपन करता हूँ। ओपन हो गया, फोटो को मैं चेंज करके ये फोटो लगा देता हूँ, यहाँ पे अपडेट gmail.in कर देता हूँ, अपडेट अपडेट इसको मैं दो कर दूंगा, दो हो जा भाई, ये भी दो, एसटी को जनरल 00 लास्ट में कर देते हैं, फीमेल कर देते हैं, यहाँ पे आई स्पेस आई स्पेस आई। चलो भाई अपडेट सक्सेस, मैं करता हूँ इसको क्लोज, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं फिर से इसको क्या करूँगा, बंद और फिर से रीरन करूँगा प्रोग्राम। वो फर्क इसलिए नहीं पकड़ पड़ रहा है कि हमने डेटाबेस से दोबारा, ये देखो सारा डेटा अपडेट हो चुका है, अपडेट होकर के रेडी हो चुका है। फिर से मैं अपडेट पर क्लिक करूंगा, ये देखो अब की बार मैं सिर्फ इसको अपडेट कर रहा हूँ, ये देख लो अपडेट पर क्लिक किया हमने, रिकॉर्ड अनसक्सेसफुल। मैं दूसरा फोटो लेता हूँ, क्या समस्या आ रहा है भाई? कुछ होगा नीचे समस्या, फोटो का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, मुझे डाउट ही था। ये फोटो है, इसे अपडेट करते हैं, अपडेट सक्सेस हो गया। फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ और फिर से राइट क्लिक करके मैं अपडेट पर क्लिक करूंगा, तो ये देखो नया वाला फोटो अपडेटेड आ रहा है। तो चलिए हमारा काम हो रहा है और बाकी हम देखते हैं अगले चैप्टर में। हमें एक चीज़ और अपडेट करना है, इस पे हम सेलेक्ट करेंगे तो डायरेक्टली अपडेट हो जाएगा, इस पे हम क्लिक करेंगे और सेलेक्ट जो करेंगे वो डायरेक्टली, ये चारों को सेलेक्ट करते के साथ अपडेट मार देना है। जैसे यहाँ पे आई एस ए मान लो अपडेट कर दिया मैं, ठीक है, अपडेट पे क्लिक किया, अपडेट सक्सेस हो गया। फिर से मैं क्लिक करूँगा, क्लिक राइट क्लिक अपडेट, ये देखो ये आ गया, यहाँ पे मैं फोटो सेलेक्ट करता हूँ, अपडेट अपडेट सक्सेस क्लोज, राइट क्लिक अपडेट आ रहा है यहाँ पे फोटो, बाकी सब ठीक ठाक काम कर रहा है हमारा, मोबाइल नंबर जो हम डाला था आ गया। तो हमारा काम सब कुछ हो गया, अपडेट पे जैसे क्लिक किया अपडेट सक्सेस, तो अभी कुछ तो हमने चेंजेस ही नहीं किया है, लेकिन अपडेट सक्सेसफुली। चलो इसको जनरल कर देते हैं, अपडेट सक्सेसफुली जनरल हो गया होगा। अब अपडेट पर क्लिक करते हैं तो ये जनरल हो चुका है, यहाँ पे नई चेंजेस हो रहा है क्योंकि हमने डेटाबेस से डेटा को रिलोड नहीं किया है। इसको हम फिक्स करेंगे कि डिलीटिंग के बाद भी यहाँ पे रिलोड हो डेटा, हम
ऐड करें नया स्टूडेंट तो भी यहाँ पे डेटा शो हो, और अपडेट करेंगे तो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करें। हम अगले सेशन में इसको करेंगे, तब तक के लिए सो जाओ यार, आधे घंटे बीत चुके हैं।